हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टिप शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू गार्डनिंग वर्क। सो गार्डनिंग में हमें जो भी अच्छी खाद मिल जाए उसका हम क्या ही बताएं। तो अभी जो मतलब जो फेस्टिवल चल रहे हैं तो उसमें सबके घर में जो गेंदे के फूल है या फिर किसी भी प्रकार के जो फ्लावर हैं वो आते ही रहते हैं। तो देखिए, मेरे भी ऐसे जो फ्लावर थे ना उसको इकट्ठा करके रखा था। अभी दिवाली में बहुत सारे आने वाले हैं इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया, उसे एक गमले में सुखा के मैंने भर लिए है यहाँ पर। और ये जो कटिंग्स आप देख रहे हो टेंगल हर्ट की, आपको अगर नहीं पता है तो बता दूँ, हमने शिफ्टिंग की है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसके दौरान ये कुछ कटिंग मेरी जो थी उसमें से निकली है, टूट गई थी वो। बहुत ही बड़ा ये टैंगल हार्ट मेरा हुआ था और उसको ले जाना बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के जो भी इसकी किस तरह से मैं लेके आई वो सारा कुछ ही मैंने सेपरेट वीडियो में आपको बताया है। तो आप ज़रूर जाके चेक कर लेना ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी जब ज़रूरत पड़े शिफ्टिंग में, ख़ास तौर पर हैंगिंग प्लांट ले जाने के लिए, तो आपको वो टिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने सूखे हुए फ्लावर थे उसके ऊपर जो है ना नॉर्मल मैंने जो गार्डन सॉइल होती है ना वो मैंने डाल दी यहाँ पे। तो जो नीचे जो हमने फ्लावर्स की ये जो पेटल्स डाले तो इससे क्या होगा ना कि आपका प्लांट ऊपर से ग्रो करेगा और जैसे जैसे आप इसमें पानी जाता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, तो क्या होगा कि आपका इनबिल्ट भाव एक खाद तैयार होती जाएगी। और इतनी अच्छी खाद होती है ना, फ्लावर्स की जो खाद होती है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जब आपका ये प्लांट मतलब 2 साल 3 साल बाद ख़राब हो जाएगा, कुछ भी हो जाए उसको, इसके रूट्स को तो इसके जो पोषण है पोषक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद में जब आप एक जो गमला इसे आप एम्प्टी करोगे, जब अगर ना हो ऐसा लेकिन ऐसा हुआ कि प्लांट आपका ख़राब हो जाए, तो उसके बाद जो मिट्टी आपको मिलेगी ना ये वाली नीचे की, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो काला वाला जो सोना होता है ना वो रहने वाला है। तो आप हम सभी ही लोग जब ये फेस्टिवल हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, हम उनके तोरण बनाते हैं, मतलब जो दरवाज़ा होते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे घर में फ्लावर हो जाते हैं और हम उसे कूड़े में कचरे में डाल देते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे उपयोग हम कर सकते हैं, प्रयोग हम कर सकते हैं गार्डनिंग में, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा है कि आपको तुरंत इसको संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं, किसी भी गमले के नीचे डाल दो, ऊपर से कोई भी प्लांट लगा दो और आपकी ये प्रोसेस चलती रहेगी और 2-3 महीने बाद आपको जो है अच्छी सी खाद जो है मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी शेयर कर रही हूँ कि आप टैंगल हार्ट की कटिंग आप किस तरह से लगा सकते हो। तो ये जो मैंने कटिंग्स थी ना, अभी मैं शिफ्टिंग करके आई तो तुरंत तो सभी घर का सामान सेट करना होता है तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलेगा, ये मुझे पता था। तो मैंने क्या किया, 5 मिनट दे के सभी जो कटिंग थी ना वो मैंने निकाल ली और जो आपने पहले जो ब्लैक वाला डब्बा देखा ना जिसका ढक्कन जो ट्रांसपेरेंट था, ये बात ध्यान में रहे, आप ढक्कन या तो ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं या फिर पूरा का डब्बा, डब्बा का डब्बा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ले ताकि जो रोशनी है उसके अंदर जाती रहे। तो उस तरह का मैंने डिब्बा लिया था। यह सारी कटिंग्स मैंने कलेक्ट कर ली थी जो भी टूट चुकी थी वहाँ से निकाल ली थी मैंने, और उस डब्बे में मैंने अच्छे से उसमें रख दी थी और ऊपर से मैंने बस पानी का उसमें छिड़काव कर दिया था। और 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप भूल जाए उस डब्बे को, उसे छोड़ दीजिए, उसमें जो है ना नमी बनती जाएगी और उससे क्या होगा ना कि उसमें रूट जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और वो क्या होगा ना कि अगर पहले से आपके किसी भी कटिंग में रूट्स अगर आ जाते हैं तो वो कटिंग चलने के जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए वो ये जो प्रोसेस है ये मेरी फास्ट हो गई, मैं डायरेक्ट इसको मिट्टी में लगाती तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और अभी वो भी प्रोसेस हो गई, मेरे रूट्स भी आ गए, अभी ये सारी कटिंग्स मेरी चल जाएंगी, मुझे पता है क्योंकि इनमें आ चुकी है रूट्स। तो बस मैंने इस तरह से इन्हें फैला दिया है यहाँ पर और ऊपर से मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर मिट्टी। आप कोकोपीट भी डाल सकते हो, मिट्टी कोकोपीट का मिश्रण कर सकते हो, और अगर टैंगल हार्ट ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती तो फिर मिट्टी में आपके खाद रहे या ना रहे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास खाद है तो आप थोड़ी सी उसमें मिला लीजिए और आपकी ये जो सारी कटिंग है बहुत ही अच्छे से चल जाएंगी। तो इस तरह से मैं मिट्टी यहाँ पे फैला दे रही हूँ। इसके बाद हमें इसके ऊपर अच्छे से पानी डालना है, बहुत ही मतलब नीचे से पानी निकलना चाहिए हर एक कटिंग
तक जो है ना पानी पहुंचना चाहिए, इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। इसके बाद आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगी, आप मेरे पास डबल कंप्लेंट लेके नहीं आओगे कि मेरी कटिंग तो चली ही नहीं। इस तरह से आप अगर कटिंग्स लगाते हो, टैंगल हार्ट की हो या फिर आप टर्टल वाइन की लगाओ, दोनों में सेम प्रोसेस फॉलो करो और आपकी कटिंग छोटी से छोटी कटिंग भी आपकी चल जाएगी। तो यहाँ पर मेरा पानी देखिए, ये जो अभी एक गमला यहाँ पर तैयार हो चुका है, साइड में आप देख सकते हो एक हैंगिंग प्लांट मैंने इसी तरह से तैयार करके रखा है, और ये मेरे हो गए एक नया गमला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और हम फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, गार्डनिंग करते रहिए। सो टेक केयर एंड बाय।